वेलकम बैक टू कर्नाटका एक्वेरियम चैनल। तो मैं आज आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ जो सीरियन हैमस्टर और चाइनीज हैमस्टर जिसको बोलते हैं, तो मैं इनका इजी आपको ब्रीडिंग सेटअप भी बता के दूंगा और इनका जो प्राइसिंग रहेगा, मार्केट प्राइसिंग रहेगा, वो भी आपको बता दूंगा। और मैं ये भी बोल दूंगा कि जैसे कि कर्नाटका एक्वेरियम चैनल जो है आज वो लॉकडाउन के माहौल पे भी आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल दे रहा है बैंगलोर के रिगार्डिंग बैंगलोर, तो मैं बैंगलोर से हूँ, तो अगर मैं कोशिश करूँगा कि पूरे बैंगलोर में आपको इनका फूड वगैरह मिल जाए और जो आपको बर्ड्स हो या फिर कोई भी एनिमल रिलेटेड हो तो वो आपको मैं सप्लाई कर दूँ एज अ बैंगलोर में। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। तो आपको मैं इसका आगे वीडियो लेके चलूँ कि जैसे कि मैं अभी ब्रीडिंग के लिए बता रहा था, तो गाइस इसमें इजी ब्रीडिंग सेटअप ये रहता है कि मेल फीमेल जो रहता है वो 1.5 फुट के बॉक्स में भी आप इनको ब्रीड कर सकते हो। मेल फीमेल को आप जो रहता है वो 1.5 फुट के बॉक्स में भी इजीली आप इनको ब्रीड कर सकते हो। जो इनका जो फूड रहता है वो पैलेट्स और जो कैरेट या फिर धनिया हो गया, पालक हो गया, ऐसे इनको गोभी पत्ता भी दे सकते हैं। और इनका जो फीड जो कंपलसरी जो रेगुलर फीड रहता है वो हैमस्टर फीड ही बोल के अलग फूड आता है, वो जो पैलेट्स हैं इम्पोर्टेड पैलेट्स बोलते हैं उनको, वो देने से इनको बहुत अच्छा रहता है। और मैं इनका आपको इजी जो जैसे कि ब्रीडिंग करते हैं, इनका जो वाटर टेम्परेचर रहता है वो कभी भी इनको जब पानी डालेंगे तो वाटर बॉटल में तो इनमें बहुत देख दिखा के डालना पड़ता है ये, कि पानी ज़्यादा ठंडा ना रहे, जो कोल्ड पानी रहता है वो भी पीने से ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और इनको नॉर्मल टैप वाटर ही यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल टैप वाटर इनको देने से क्या होता है कि जो उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह रहता है तो वो इनके लिए भी अच्छा रहता है। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इनका हैमस्टर फूड हो गया और मेडिसिन वगैरह हो गया तो ये भी मेरे पास अभी मिलता है, तो जिसको भी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ब्रीडिंग सेटअप के बारे में मैं बता रहा था कि इनका जो ब्रीडिंग सेटअप रहता है ये बहुत ही बहुत ईजी रहता है। ये 10 से 12 बच्चे देते हैं एक टाइम पे। और जैसे कि लॉकडाउन में अभी जो भी फ्री है या फिर उनको कोई कम रेंज में या फिर बहुत कम बजट में पेट चाहिए तो वो हैमस्टर ख़रीद सकते हैं। हैमस्टर बहुत अच्छा पेट रहता है और ये बहुत हमारे साथ वुमेन्स के साथ बहुत अटैच रहता है, इंसानों के साथ बहुत अटैच करके खेलता कूदता है। और जो इनके केजेस वगैरह आते हैं, इनके टॉयस वगैरह भी आते हैं खेलने के लिए, तो वो भी मेरे पास मिल जाएंगे। और जो इनका प्राइस वगैरह मैं बताना भूल गया, इनका प्राइस है 1200 रुपीज़ पेर और ट्रांसपोर्ट का अलग से लगेगा। अभी तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये तो परमानेंट यूट्यूब पर रहेगा, तो मैं इसमें ये भी बता दूँ कि अभी तो सिर्फ बैंगलोर में ही ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बाकी मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट कराता हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं है, बैंगलोर में बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बैंगलोर ऑल ओवर बैंगलोर में मैं ट्रांसपोर्ट करा दूँ इनकी। और जिसको भी चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था मेरा इंस्टाग्राम आईडी वगैरह तो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इसको जिसको भी इनका ब्रीडिंग सेटअप समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट करके भी आप पता कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत इजी ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा हैमस्टर्स है और हेजॉग रैट वगैरह ये जो रोडेंट्स आते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ब्रीडिंग ईजी है इनकी और इनको बहुत ईजी से पाल सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको बहुत कम मार्जिन में और बहुत कम बजट में हैमस्टर ही मिल सकता है। और जिसको भी बर्ड्स वगैरह का वीडियो चाहिए या फिर नया वीडियो जिसको भी चाहिए तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करके मुझे सपोर्ट करने से मैं नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस।